ये है पंजाब की लुटेरी हसीना। दोस्तों के संग मिलकर करती थी लोगों को लूटने की प्लानिंग। छोटी मोटी लूट नहीं, करोड़ों की होती थी हेरा फेरी। इस लुटेरी हसीना का नाम है मनदीप कौर। ये जो आप पुलिस के सामने रखी नोटों की गड्डियां देख रहे हैं, इसका अगर टोटल किया जाए तो बनता है 5 करोड़। पंजाब के लुधियाना में एटीएम कैश कंपनी सीएमएस में हुई 8.49 करोड़ की लूट को पुलिस ने सुलझा लिया है। लूट में शामिल 6 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी तक 5 करोड़ रिकवर कर लिए हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि इस लुटेरी हसीना ने सीएमएस कंपनी के कर्मचारी के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात में कुल 10 लोग शामिल थे। हालांकि इसकी मास्टरमाइंड डाकू हसीना मनदीप कौर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी है, लेकिन इस महिला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस लूट में मनदीप कौर के साथ उसका पति और भाई भी शामिल था। लूट की मास्टरमाइंड मनदीप कौर के भाई ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली, जिसमें आप देख रहे होंगे कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर 500-500 की 2 गड्डियां रखी हुई हैं। इस वीडियो में ये लुटेरी हसीना बोल रही है कि कितना कमा लेता है, तेरी क्या औकात है, जो पैसों के नशे में झूठ बोल रही है कि क्या औकात है तेरी। हाथ में पैसे उठाकर दिखा रही है कि देख लो, ये पैसा लोगों को ठगने का है, ये पैसा लोगों को लूटने का है। पुलिस ने बताया है कि मनदीप कौर का पति मनजिंदर रातों रात अमीर होना चाहता था और इसीलिए पति पत्नी इस धोखेधड़ी के खेल को अंजाम देने में जुट गए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मनजिंदर सिंह विदेश जाना चाहता था और उसके पास इसके लिए कोई पैसे नहीं थे। वह एटीएम मशीनों में पैसे डालने का काम करता था। कचहरी में डहलो निवासी मनदीप कौर से मिला और वह एक दूसरे से मिलने लगे थे और फिर रची जाने लगी लोगों की साजिश।